मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। 11 मंथ्स के बाद मैं कहूँगा कि मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं भिवानी हरियाणा से हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 11 मंथ्स हो गए हैं और आज मैं अपनी थर्ड PRP के लिए आया हूँ। और मेरा ट्रांसप्लांट DHI टेक्निक से हुआ था और 11 मंथ्स के बाद मैं कहूँगा कि मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ। और क्योंकि सभी स्टाफ है ना, काफ़ी सपोर्टिव रहा है। मैंने ट्रांसप्लांट कराने से पहले इंक्वायरी की थी, लेकिन उस समय मैं ना कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि मैं बिज़ी था। तो मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रहा था काफ़ी टाइम से, अराउंड 1 साल से, और जो लोग हैं वो करवा रहे थे उनका रिज़ल्ट से मतलब काफ़ी लग रहा था कि हाँ, लाइक दे आर वेरी प्रोफेशनल इन वट दे आर डूइंग। तो मैंने फिर 1 साल के बाद अपना मन बनाया अगस्त में 2021, और मैं मतलब शुरू से ही फ़ोन पे सभी गाइडलाइंस, प्रोसीजर, कॉस्ट, जो बाद में जो भी उसकी प्रिकॉशंस हैं सभी का मुझे बताया गया, फ़ोन पे भी और इन पर्सन भी। सभी ने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड किया है। और जो स्टाफ के बारे में कहूँगा, दे आर वेरी पोलाइट एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल, एंड प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ ड्यूरिंग द, और आफ्टर भी नहीं हुआ। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रोसीजर भी अच्छा था, और जो आफ्टर करवाने के बाद जो मंथ से मुझे प्रॉपर मेडिसिन के बारे में बताया गया और जो भी होने वाला है और मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, भी आपको ये रिज़ल्ट अभी ऐसा होगा, सब बताया गया। क्योंकि शेडिंग फेज चलता है 3 मंथ्स, तो उसमें बाल जाते हैं, तो आपको ऑब्वियसली डाउट होता है कि अरे मतलब इज़ इट लाइक सक्सेस, और मतलब क्या हुआ, फेल हो गया। लेकिन उन्होंने सब पहले से बताया कि आपको सब टाइमलाइन बताया कि इतने टाइम में इतना होगा, तो आप एक्सपेक्ट उसके अनुसार कर सकते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा कि आफ्टर जो था वो और भी ज़्यादा अच्छा था। वो कॉल्स करके मुझे पूछते थे कि कैसा आपका रिज़ल्ट रहा है और कैसा आपको अभी फील हो रहा है, कोई आपको दिक्कत है तो हमें बताइए। तो आफ्टर वाज वेरी गुड, लाइक वेरी पोलाइट स्टाफ। तो मैं बहुत खुश हूँ, और लाइक वेरी थैंक यू टू ऑल द स्टाफ एंड ऑल द डॉक्टर्स। थैंक यू।